हेलो फ्रेंड्स, तो पॉलिटेक्निक वाले जितने भी छात्र हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ 15 दिन मात्र जुड़ जाते हैं फ्रेंड्स, लास्ट जो आपका एग्जाम का जो समय बच रहा है, इसमें अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप कमज़ोर छात्र हैं, अगर आपको अभी तक तैयारी नहीं हुआ है, मात्र 15 दिनों में फ्रेंड्स आपका तैयारी को 90% तक बूस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। जो आज फ्रेंड्स वीडियो आपको बताने वाले हैं, यहां से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, सही जवाब क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिए फ्रेंड्स, पहला का सही जवाब हो जाएगा हेनरी बेकुरेल ने, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकुरेल ने, फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात याद रखें फ्रेंड्स, जोसेफ लिस्टर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन। आपका फ्रेंड्स सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। पांचवा का फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन या फिर चैडविक, सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब बताने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी सुन लीजिए, मात्र फ्रेंड्स 49 रुपया में, मात्र 49 रुपया में आपके लिए 600 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते फिर भी एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री और फिजिक्स का फ्रेंड्स 600 क्वेश्चन मिलेगा, जो हमारे अनुभवी शिक्षक द्वारा छाट कर लाया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप आईटीआई वाले छात्र से पूछ सकते हैं, आईटीआई वाले लगभग हजारों छात्र लिए थे फ्रेंड्स, उसका प्राइस मात्र 99 रुपये रखा गया था, फिर भी हजारों छात्र लिए थे फ्रेंड्स, और उसका लगभग जो है क्वेश्चन जो है मेरे पीडीएफ से सुहू बहू टकराया था। इसलिए आपको कहते हैं मात्र 49 में फ्रेंड्स आपको जो ये 600 जो क्वेश्चन मिलेगा फ्रेंड्स पीडीएफ रूप में, इसको आप जरूर बाय कर लीजिए, ठीक है। नंबर आपको देते हैं 9262771205, इस नंबर पर फ्रेंड्स व्हाट्सअप करेंगे तो डायरेक्ट जो है मैसेज मेरे पास आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 49 रुपये का आप पैसा पे करते हैं, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आठवां का सही जवाब क्या होगा, परमाणु के नाभिक खोज किसने की थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, सूर्य का जो द्रव्यमान होता है उसके 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। आगे चलते हैं। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको केस्कोग्राफ नामक जो यंत्र है इसकी खोज की थी किसने की थी, जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो। तो फ्रेंड्स 13 का आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट ने, ठीक है, आर्यभट्ट याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड या फिर आइंस्टीन ने। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी,
रॉबर्ट हुक, डब्ल्यू सी रोंडजन, आर्यभट्ट, हरगोविंद खुराना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, डब्ल्यू सी रोंडजन ने एक्सरे की खोज की थी। गति के जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति का तो जो जड़त्व नियम होता है इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स याद रखना आपको, गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। आगे बढ़ते हैं, गति के नियम को किसने दिया था? जो गति का नियम है, गति का नियम, इसको किसने दिया था? न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन। गति के नियम को किसने दिया था? फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, न्यूटन ने दिए थे गति के नियम को। गति के नियम को किसने दिया? न्यूटन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबेल, सीले और प्रिस्टले। 36 का आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर डी, सीले और प्रिस्टले ने। क्या? सीले और प्रिस्टले ने फ्रेंड्स ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है इसके आविष्कारक कौन है? तो फ्रेंड्स 37 का याद रखिए आप, न्यूटन है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम का आविष्कारक है वो है न्यूटन। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, हर रोज आपको वीडियो मिलते रहेगा फ्रेंड्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, साथ साथ मैथ का भी क्लास चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।